श्री गणेशाय नमः। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ द्वांत्रिशोध्यायः। धूम मार्ग और अर्चिरादि मार्ग से जाने वालों की गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन। कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उनके फलस्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित हो रहने के कारण भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धापूर्वक देवता तथा पितरों की ही आराधना करता रहता है। उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है, देवता और पितर भी उसके उपास रहते हैं, अतः वह चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है, फिर और पुण्य क्षीण होने पर इसी लोक में लौट आता है। जिस समय प्रलय काल में शेषशायी भगवान शेषया पर शयन करते हैं, उस समय सकाम गृहस्थाश्रमियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोग भी लीन हो जाते हैं। जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उनका पालन करते हैं, वे अनासक्त, प्रशांत, शुद्ध चित्त, निवृत्ति धर्म परायण, ममता रहित और अहंकार शून्य पुरुष सर्वधर्म पालन रूप सत्वगुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। वे अंत में सूर्य मार्ग, अर्चि मार्ग या देवयान के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं, जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता, संसार के उपादान कारण और उसकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाले हैं। जो लोग परमात्मा दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे दो परार्ध में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके सत्यलोक में ही रहते हैं। जिस समय देवतादि से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने द्विपरार्ध काल के अधिकार को भोग कर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, इंद्रियां, उनके विषय, शब्दादि और अहंकार आदि के सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ एक रूप होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे विरक्त योगीगण भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इससे पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए क्योंकि अब तक उनमें अहंकार शेष था। इसीलिए माता जी, अब तुम भी अत्यंत भक्तिभाव से उन श्रीहरि की ही चरण शरण में आओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन ही लिया है। वेदगर्भ ब्रह्मा जी भी, जो समस्त सावर जंगम प्राणियों के आदि कारण है, मरीचि आदि ऋषियों, योगेश्वरों, सनकादिकों तथा योग प्रवर्तक सिद्धों के सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्म को प्राप्त होकर भी वेद दृष्टि और कर्तृत्वाभिमान के कारण भगवत इच्छा से जब सर्ग काल उपस्थित होता है, तब कालरूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होने पर भी फिर पूर्ववत प्रकट हो जाता है। इस प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोग कर भगवत इच्छा से गुणों में क्षोभ होने पर पुनः इस लोक में आ जाते हैं। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में कहे हुए काम में और नित्य कर्मों का सांगोपा अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है, हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है और इंद्रियां उनके वश में नहीं होती। बस अपने घरों में ही आसक्त होकर वे नित्य प्रति पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। ये लोग अर्थ, धर्म और काम के ही परायण होते हैं। इसीलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय हैं, उन भवभयहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से तो ये विमुख ही रहते हैं। हाय, विष्ठाभोजी कुकर, सुकर आदि जीवों के विष्ठा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथामृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं। उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सब संस्कारों को विधिपूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण ओर के पितृयान या धूम मार्ग से पितृश्वर अयर्मा के लोक में जाते हैं और फिर अपनी ही संतति के वश में उत्पन्न होते हैं। माता जी, पितृलोक के भोग लेने पर
जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब देवता लोग उन्हें वहाँ के ऐश्वर्य से चूत कर देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोक में गिरना पड़ता है। इसलिए माता जी, जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य है, उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मन, वाणी और शरीर से भजन करो। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। वस्तुतः सभी विषय भगवत रूप होने के कारण समान है। अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भगवत भक्त का चित्त उनमें प्रिय अप्रिय रूप विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह संग रहित सब में समान रूप से स्थित, त्याग और ग्रहण करने योग्य, दोष और गुणों से रहित, अपनी महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। वही ज्ञान स्वरूप है, वही परब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक भगवान स्वयं जीव शरीर विषय इंद्रियों आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना, बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधना का एकमात्र अभीष्ट फल है। ब्रह्म एक है, ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, तो भी वह बाह्य वृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रांति व शब्दादि धर्मों वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भास रहा है। जिस प्रकार एक ही परब्रह्म महत्तत्व वैकारिक राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार पंच महाभूत एवं ग्यारह इंद्रिय रूप बन गया और फिर वही स्वयं प्रकाश इनके संयोग से जीव कहलाया, उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप यह ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। किंतु इसे ब्रह्म रूप वही देख सकता है जो श्रद्धा भक्ति और वैराग्य तथा निरंतर के योगाभ्यास के द्वारा एकाग्रचित्त और असंग बुद्धि हो गया है। पूजनीय माता जी, मैंने तुम्हें यह ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुनाया, इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। देवी, निर्गुण ब्रह्म विषय ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है, उसे ही भगवान कहते हैं। जिस प्रकार रूप रस एवं गंध आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। नाना प्रकार के कर्मकलाप, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, वेद विचार, मीमांसा, मन और इंद्रियों के संयम, कर्मों की त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म, आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। माता जी, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण भेद से चार प्रकार के भक्ति योग का और जो प्राणियों के जन्मादि विकारों का हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती, उस काल का स्वरूप मैं तुमसे कह ही चुका हूँ। देवी, अविज्ञा जनित कर्म के कारण जीव की अनेकों गतियाँ होती हैं, उनमें जाने पर वहाँ अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। मैंने तुम्हें जो ज्ञानोपदेश किया है उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी और धर्मध्वज यानी दम्भी पुरुषों को नहीं सुनाना चाहिए। जो विषय लोलुप हो, गृहासक्त हो, मेरा भक्त न हो अथवा मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला हो, उसे भी इसका उपदेश कभी न करे। जो अत्यंत श्रद्धालु भक्त, विनयी, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाला, सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला, गुरु सेवा में तत्पर, बाह्य विषयों में अनासक्त, शांत चित्त, मत्सर शून्य और पवित्र चित्त हो तथा मुझे परम प्रियतम मानने वाला हो, उससे इसका अवश्य उपदेश करे। माँ, जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धापूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह मेरे परम पद को प्राप्त होगा। हरे कृष्णा।